मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी द्वारा 23 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगी है। दोनों ही पार्टी बैक टू बैक बैठक में लगी है। बैठकों का दौर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बता दें कि आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली दरबार में अपनी अरदास लगाने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। आगामी चुनावों को देखते हुए अब सिंधिया गुट भी एक्टिव हो गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों को चुनावी रण में मोर्चा खोलने को कह दिया है। भाई जान रुक जा, दो मिनट मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता भी गुपचुप बैठक में लगे हुए हैं। वहीं बुधवार को ग्वालियर में बीजेपी की गोपनीय बैठक रखी गई, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, मंत्री उषा ठाकुर समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक का पूरा फोकस 2023 के चुनाव को लेकर है, जिसमें बीजेपी आत्मचिंतन और मंथन में लगी हुई है कि 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग में किस लाइन पर आगे बढ़ना है।